दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा एसडी कार्ड्स के बारे में। इसको मैंने परचेज किया अपने सोनी कैमरा के लिए, और बात करूंगा कि आपको कौन से बात का ध्यान रखना चाहिए जब एसडी कार्ड परचेज कर रहे हो, और आपके स्मार्टफोन के लिए कौन सा एसडी कार्ड बेहतर होगा। तो इन सब के बारे में बात करूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अंबुज, आप देख रहे हैं गीकी अंबुज, स्टे ट्यून एंड लेट स्टार्ट। तो दोस्तों, ये जो एसडी कार्ड है, मैंने 64 GB का परचेज किया है। आप अपने अपने यूसेज के हिसाब से परचेज कर सकते हैं, 64 GB से भी ज़्यादा ही परचेज कर सकते हैं। तो ये है एसडी कार्ड दोस्तों, आप देख रहे हैं, इसका नाम है एक्सट्रीम प्रो सैंडिस्क 64 GB का। तो इसको देखते हैं इसके अंदर में क्या क्या है, और ये जो बाकी नंबर्स हैं। ये जो दोस्तों नंबर है, आप देख पा रहे होंगे, ये नंबर है SDXC V31 C10 U33 है, और 64 GB। तो इन सब के बारे में बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये जो मेमोरी कार्ड है, ये जो नंबर दिए हुए हैं, ये इसके बारे में सबसे पहले बात करना चाहता हूँ। ये सी के अंदर 10 दिया हुआ है, इसका मतलब कि ये कि क्लास डिफाइन करी गई है। जितने मेमोरी कार्ड्स हैं सबको 2, 4, 6 और 10 क्लास के अंदर रखा गया है, और ये C10 क्लास का है, मतलब हाई स्पीड वाला है। जो क्लास 10 है उसके हिसाब से जो उसकी मिनिमम स्पीड रखी गई है, ये 10 MB की स्पीड है। हालांकि इस कार्ड की जो आपको मैक्सिमम राइट रीड स्पीड मिलेगी वो 170 MBPS है। यहाँ पे 170 MBPS रीड स्पीड है, और राइट स्पीड है आपका 90 MBPS। तो रीड मेमोरी, रीड स्पीड और राइट स्पीड क्या होता है, तो मैं बताता हूँ कि कोई भी आप मेमोरी कार्ड परचेज करते हो तो उसमें रीड स्पीड से ज़्यादा राइट स्पीड का अहमियत होता है। क्योंकि जो राइट स्पीड होता है, जब आप मेमोरी कार्ड को अपने फ़ोन में इंसर्ट करते हो या मेमोरी कार्ड को आप कैमरे में इंसर्ट करते हो, तो कितनी तेज़ी से आपके जो मूवी बनाओगे या फोटो वीडियो बनाओगे या फोटो खींचोगे, तो कितनी तेज़ी से आपके मेमोरी कार्ड के अंदर जो आपका डेटा वो सेव होगा, वो राइट मेमोरी होता है। जब आप मेमोरी कार्ड से अदर डिवाइसेज में, फ़ोन्स में, लैपटॉप में अगर आप डेटा सेव कराते हो, तो वो रीड स्पीड होता है। तो वो भी इंपॉर्टेंट मायने रखता है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्पीड मायने रखता है कि राइट स्पीड की, आपका कार्ड किस हिसाब से परफॉर्म करेगा, तो वो राइट स्पीड पे डिपेंड करता है। तो इसका जो राइट स्पीड है 90 मेगाबाइट्स है, तो जो कि काफ़ी अच्छा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों, और बात करता हूँ कि ये जो यू के अंदर दिया हुआ है, 3 है या 1 है यहाँ पे, तो यू के अंदर 3 दिया हुआ है, इसका मतलब कि इसको बोलते हैं UHS अल्ट्रा हाई स्पीड। जो स्पीड है वो अल्ट्रा हाई स्पीड में है। इसकी जो एक स्पीड रखी गई है वो 30 MB/s रखी गई है। तो ये 30 MB, लेकिन फिर भी एक 170 तक की स्पीड कैसे आएगा? तो दोस्तों, ये बता दूं कि ये एक UHS का सब क्लास है, UHS 1, UHS 2 होता है। ये UHS 1 का है, क्योंकि UHS 1 में कि आप देखिए जो पिन है कार्ड्स पे, ये जो पिन्स हैं वो एक सिंगल रो में होंगे, लेकिन UHS 2 का होता है तो ये जो पिन्स होते हैं वो डबल स्टैक में होते हैं, डबल रो में होते हैं। तो उस जो UHS 2 का स्पीड होता है, इससे काफ़ी ज़्यादा होता है, और UHS 1 का है। तो आप, मैं दोस्तों बता दूं कि आप UHS 2 का भी परचेज कर सकते हैं कार्ड, लेकिन ये देख लेना कि आपके जो आपका कैमरा है या जिस भी डिवाइस में लगाने वाले हो, तो उस डिवाइस को सपोर्टेड है कि नहीं UHS 2 का। हालांकि मैं जिस मेरा जो कैमरा है वो UHS 2 भी सपोर्ट करता है, लेकिन UHS 2 के जो कार्ड होते हैं स्लाइटली एक्सपेंसिव आते हैं, लेकिन मेरा जो काम है इससे हो जाएगा, क्योंकि इसकी रीड स्पीड और राइट स्पीड अच्छी है। अब यहाँ पे दोस्तों SDXC दिया हुआ है, तो SD का मतलब ओके SD कार्ड हो गया। SD कार्ड का जो फुल फॉर्म होता है सिक्योर डिजिटल होता है, और XC का मतलब है कि ये एक्सटेंडेड कैपेसिटी का है। दोस्तों बता दूँ कि SD कार्ड्स होते हैं, SD कार्ड स्टैंडर्ड होता है, SD कार्ड हाई कैपेसिटी का होता है जिसको HC लिखा होता है, और है SD कार्ड XC है, तो ये एक्सटेंडेड कैपेसिटी का है। इसके ऊपर भी जाते हैं, जो स्टैंडर्ड होता है उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है SD कार्ड की, वो 2 GB तक होती है। जो हाई स्पीड का हाई कैपेसिटी का होता है, उसका 2 GB से लेकर 32 GB तक हाई उसके कैपेसिटी होती है। और जो XC है एक्सटेंडेड कैपेसिटी का, जो इसका कैपेसिटी है वो 32 GB से लेकर 2 TB तक का है। हालांकि मार्केट में 2 TB का मेमोरी कार्ड अभी अवेलेबल नहीं है, हो सकता है आने वाले टाइम में अवेलेबल हो। इसके ऊपर आता है UC, XD UC, जो अल्ट्रा कैपेसिटी का होता है, वो 2 TB से 128 TB तक का होता है। तो आप अपने यूसेज के हिसाब से देखना कि कितने ज़्यादा आप करोगे। मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ कि आप हाई कैपेसिटी के मेमोरी कार्ड को परचेज करना से अच्छा है कि आप, मतलब कि आप जैसे मान लो कि 256 GB का मेमोरी कार्ड परचेज करना है,
तो 128 GB के दो मेमोरी कार्ड परचेज कर लो इन दैट केस। हालांकि मेमोरी कार्ड्स के फेलियर तो नहीं होते हैं, लेकिन अगर इन दैट केस फेलियर होता है तो आपका एक 128 GB का मेमोरी कार्ड फेल होगा, दूसरा 128 GB का बचा रहेगा। अगर 256 GB का मेमोरी कार्ड फेल होता है तो हो सकता है कि आपका पूरा का पूरा 256 GB के डेटा को आपको रिकवर करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगा। तो ये है कि छोटे छोटे आप स्लॉट्स में खरीदें। मैं नहीं बोलता हूँ कि 64 GB खरीदें, 128 GB का स्टैंडर्ड मांग के स्टेट 128 GB के मल्टीपल कार्ड्स परचेज कर लें, प्राइस में हल्का सा डिफरेंस आएगा लेकिन आप उसको बेयर कर लोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होता है। अब बात करना चाहता हूँ दोस्तों कि आपका जो डिवाइस है वो एक स्पेसिफिक उसको स्पीड चाहिए होता है, तो उस स्पीड से कभी भी आप तो स्लाइटली हायर स्पीड का मेमोरी कार्ड परचेज करें, क्योंकि क्या होता है कि मेमोरी कार्ड टाइम टू टाइम जो उसकी स्पीड होती है हल्की स्लो हो जाती है। मेमोरी कार्ड्स के भी साइकिल होते हैं कि आप उसमें कितनी बार डेटा सेव कराओगे। जैसे मान लो कि 64 GB का है तो कितनी बार 64 GB के मेमोरी कार्ड को आप फुल करते हो और फिर उसको डिलीट करते हो, फिर फुल करते हो, फिर उसको फॉर्मेट करते हो। तो ये एक होते हैं साइकिल्स होते हैं, 500-600 साइकिल्स होते हैं। अगर आप उस साइकिल तक पहुंच जाते हो तो आपका मेमोरी कार्ड को होता है स्लो होने लगता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप परचेज करो तो अपने डिवाइस के हिसाब से एक हल्का सा स्लाइटली हायर स्पीड वाला मेमोरी कार्ड परचेज करोगे तो बेटर चलेगा। अब दोस्तों बात करता हूँ कि ये जो वन है वो UHS है, अल्ट्रा हाई स्पीड का एक सब क्लास में 1-2 का आता है। तो ये काफ़ी हाई स्पीड के आते हैं। अब यहाँ पे V30 दे रखा है, तो V30 क्या है कि जो SD कार्ड एसोसिएशन है ना, उन्होंने मतलब कि वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए उन्होंने एक वीडियो का दे रखा है कि V30, V60, V90 करके। तो ये V30 है कि एक जैसे मान लो कि आपको 4K की वीडियो रिकॉर्डिंग करनी होती है, 8K की रिकॉर्डिंग करनी होती है, या सिनेमा वाले 3D रिकॉर्डिंग के लिए अलग से यूज किए जाते हैं, तो उनको हाई कैपेसिटी SD कार्ड्स की जरूरत पड़ती है। तो उसलिए ये V30 दे रखा है। इसका मतलब कि आप क्या है कि 4K की वीडियो रिकॉर्डिंग करना होगा, आपको काफ़ी आराम से वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाएगा। अगर आप स्लो कार्ड को लगाते हो अपने फ़ोन में या अपने कैमरे में वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिए 4K की वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो हो सकता है कि जब वो रिकॉर्ड करेगा तो फ्रेम ड्रॉप्स हो जाएंगे, वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड नहीं करेगा, उसमें बहुत सारे फ्रेम्स के फ्रेम ड्रॉप होंगे, तो आपको अच्छा स्मूथ एक्सपीरियंस नहीं होने वाला है। अब दोस्तों बात करता हूँ स्मार्टफोन के लिए जब आप मेमोरी कार्ड परचेज कर रहे हो तो उस समय आपको क्या ध्यान देना चाहिए। हालांकि SD कार्ड है लेकिन इससे एक छोटा आता है, इससे छोटा आता है जो माइक्रो SD कार्ड होता है। तो माइक्रो SD कार्ड जनरली फ़ोन में यूज होते हैं, GoPro में यूज होता है आपका, ड्रोन्स में यूज़ किया जाता है, तो उसमें भी सारे मतलब कि सारे स्पेसिफिकेशन होंगे। HDFC होगा, UHS-I होगा, Class 10 होगा, तो ये सारे चीज़ होंगे। अगर आपके फ़ोन में 4K का रिकॉर्डिंग अलाउ करता है तो ये जो स्पेसिफिकेशंस दे रखे हैं आपको इन सब को मतलब ध्यान रखना है, इससे नीचे वाले नहीं लेना है। अगर इससे नीचे वाले लेते हो तो हो सकता है कि आपको 4K की वीडियो रिकॉर्डिंग करने में प्रॉब्लम आएगी। एक और चीज़ बताना चाहता हूँ स्पेसिफिक फ़ोन्स के लिए, एक होता है A1 लिखा होता है और A2 लिखा होता है, वो एप्लीकेशन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए होता है। उसमें क्या होता है कि अगर A1 और A2 वाले हैं तो उसमें क्या है कि अगर आप मान लो सपोज करो कि आपके फ़ोन में 64 GB का डेटा है लेकिन आप चाहते हो कि मल्टीपल गेम्स को मैं डाउनलोड करूँ, और आपका जो मेमोरी कार्ड होता है जो इंटरनल मेमोरी है वो सपोर्ट मतलब कि फुल हो चुका है, तो उस केस में क्या करो कि जब आप जो SD कार्ड को परचेज करो तो A1 A2 वाले परचेज करो। A1 मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि आप अगर कोई गेम डाउनलोड करते हो तो वो गेम अपने इंटरनल मेमोरी में ना सेव कराकर आप क्या कर सकते हैं कि जो मेमोरी कार्ड है उसमें सेव करा लोगे, और वो क्या होता है कि जब आप उसको दोबारा से गेम को रिकॉल करते हो तो क्या होता है कि जो नॉर्मल SD कार्ड्स में अगर सेव कराओगे तो वो जल्दी से रिकॉल नहीं होगा, और हो सकता है कि आपको गेमिंग का स्मूथ एक्सपीरियंस नहीं मिले या किसी भी एप्लीकेशंस के लिए। लेकिन जब आप A1 A2 वाले कार्ड का इस्तेमाल करोगे तो जब भी आप गेम को रिकॉल करोगे तो काफ़ी ज़्यादा रिकॉल जल्दी से रिकॉल होता है, आपको किसी टाइप का मतलब कि प्रॉब्लम नहीं होता, अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है, तो उसको कंसिडर करें। और 4K का वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो तो आप V30 और UHS-III और UHS सब क्लास 1 का यूज करें। अगर 8K का फ़ोन अगर रिकॉर्ड करता होगा तो उसके लिए और हाई स्पीड का मेमोरी कार्ड परचेज करने की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मैंने सारी बात आपको समझा दी है, और उसके बाद भी कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन होता है तो मैं एक डेडिकेटेड SD कार्ड से रिलेटेड जो मेमोरी कार्ड्स होते हैं उनसे रिलेटेड एक वीडियो बनाऊंगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव अ नाइस डे।